हेलो दोस्तों, मैं चंदन आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। अच्छा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी का निशान दबा दे, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मारुति जिप्सी 413। इसकी प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें इंजन मिसिंग मार रहा था और ओवरहीट की प्रॉब्लम इसमें लगातार बनी हुई थी। ड्राइवर ने काफ़ी जगह दिखाया लेकिन उन्होंने उसे संतुष्ट नहीं हो पाए, उनको काम नहीं हुआ, ठीक नहीं हो पाया, तो अब हमारे पास आया। तो चलो, हम भी इसको डायग्नोसिस करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। पहले हम लोग इसका सीएमपी यूनिट है, ये जो आप देख रहे हैं सीएमपी यूनिट से इसका टाइमिंग हम सेट कर देख सकते हैं कि टाइमिंग पे ये है कि नहीं है। तो चलो, हम पहले एक बार सीएमपी यूनिट दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर भी खोलने से पहले इधर जहाँ पर आप देख रहे हो पैन बेल्ट के पास में, पुली के पास में एक निशान होता है जीरो का, वो हमको बराबर लाना होता है। और ऊपर जो कट मार्क लगे हुए होते हैं आप देखेंगे वहाँ पर, तो आपको कट मार्क दिखेगा, वो हमको 5 डिग्री पे लाना है। एक निशान जो है वो 2 डिग्री का होता है। अब हम सीएमपी नोट को खोलते हैं। सीएमपी नोट में स्क्रू लगे हुए हैं 10 नंबर के, इसको चाहे तो आप फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हैं या आप 10 नंबर का रिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पर आपको निशान दिख रहा होगा बेल्ट के पास में, जीरो का निशान है आगे, और निशान मिला लेना है आपने। और आप यूनिट को खोलते हैं। इसको खोलने के लिए हमने इसको खोल लिया है, ये सीएमपी यूनिट है। इसको हम खोलेंगे, इसमें गियर होता है नीचे, इससे हम इसको आगे पीछे करके इसको एडवांस और रिटायर्ड भी हम इसी से करते हैं। तो सीएमपी यूनिट हमने खोला है, और इससे पहले इसको आप नट वगैरह खोल के संभाल के रख लीजिए। मेन गर्म होने के कारण तो काफ़ी होते हैं, मान लीजिए आपको टाइमिंग भी आउट हो सकता है, रेडिएटर आपका ब्लॉक हो सकता है, उसके बाद यदि पानी रेडिएटर से बैक मार रहा है तो आपको हेड गैसकेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर चीज़ को हम एक सीक्वेंस वाइज देखते चलेंगे ताकि हमें पता चलता जाए कि क्या है, एक बार में हम किसी नतीजे पे ये भी नहीं पहुँच सकते। तो अभी ये आप देख रहे हैं, ये इसका गियर है जो रोटर में ये घूमता है, ये 1342-1342 इसका फायरिंग ऑर्डर होता है। ये मार्क जो देख रहे हैं गोल मार्क है, उसके ऊपर जस्ट एक और मार्क है, ये दोनों मार्क बराबर बिल्कुल एक सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, इसका मतलब आपका टाइमिंग यहाँ पर सेट है। लेकिन उसके साथ में आपको पुली पे भी निशान को देखना है। अब पहले हम 17 नंबर लगाकर पुली को टाइमिंग पे ले आते हैं। तो देखिए, टाइमिंग पे हम पुली को ला रहे हैं, तो अभी हमने पुली को टाइमिंग पे ला रहे हैं, चलिए भी देखते हैं लाने के बाद क्या होता है। हमने पुली टाइमिंग पे ला दिया। अब हम कैप खोल के हम 1 नंबर पिस्टन को देखेंगे। 1 नंबर का जो वाल है रोकर दोनों, वो फ्री होने चाहिए इनलेट एग्जॉस्ट। जैसे आपको पता है कि कोई भी टाइमिंग करने के लिए हमें 1 नंबर जो है वो फ्री होना चाहिए, और लास्ट का 4 नंबर जो है वो टाइट पोजीशन में होना चाहिए, मतलब कंप्रेसर पे हमको टॉप पे लाना है। उसको लाने के बाद अब ये शायद आया नहीं है, इसे थोड़ा सा और इसको घुमाते हैं, और इससे आपको एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। तो आपको करना क्या है कि इसका टैपर्ड कवर को भी खोल लेना है यदि आपको एक्यूरेट करना है, क्योंकि फिर मान लीजिए आप यहाँ से देख पाएंगे लेकिन उंगली इतनी अच्छी घुसती नहीं है उसमें कि आप उसको बिल्कुल प्ले देख पाओ या समझ पाओ कि प्ले कैसा है या नहीं है। तो हम उसका टाइमिंग कवर भी खोल सकते हैं। तो चलिए, इसका हम देखते हैं क्या करते हैं, पहले वहाँ सेट कर लेते हैं उसको, उसके बाद हम इसका टाइमिंग कवर खोलेंगे। उससे पहले हमने क्या किया कि इसका रेडिएटर देखा, रेडिएटर पूरा इसका चौक था, तो हमने रेडिएटर भी इसका पूरा खोल लिया, रेडिएटर बिल्कुल साफ कर दिया, पानी वगैरह थ्रू कर दिया। थर्मोस्टेट की इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि थर्मोस्टेट इसका ख़राब था, तो हमने थर्मोस्टेट भी चेंज कर दिया, मतलब हमने रेडिएटर साइड से जो कूलिंग का था, वाटर कूलिंग का, वो हमने कंप्लीट क्लियर कर दिया। इसका एक्सपेंशन बॉटल वगैरह जो है, रिजर्वर टैंक वगैरह देख लिया, इसमें पानी है नहीं है यह है। अब हम हमारा ध्यान जाएगा दूसरा, वो काम हो गया। अब हम टैपर्ड कवर खोलते हैं, टैपर्ड कवर खोल के हम टाइमिंग सेट कर लेंगे। टाइमिंग का गाड़ी के लोड पे, उसकी एफिशिएंसी पे, या किसी और प्रकार से टाइमिंग का एक गाड़ी को, गाड़ी में बहुत फर्क पड़ता है, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो या वो डीजल गाड़ी हो। खोलने से पहले आप जितने भी इसके इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, जितने भी सॉकेट लगे हुए हैं, उनको आप हटा दो कनेक्शन को, और ध्यान से हटाइए ताकि आपको पता चले कि भाई हमने कहाँ से हटाया था, या आप उसमें मार्किंग कर सकते हैं
या नॉर्मली आप हटा लीजिए उसको और कैप हम लगा दीजिए, कोई नट वगैरह ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से छूट जाए उसमें गिर जाए। तो हम पहले इसके जो भी प्लग लगाए हुए हैं इन प्लग को नीचे थोड़ा सा दबाना पड़ता है, लॉक होते हैं ये, पीछे खींच लीजिए इनको, खींचने से ये निकल जाएगा, दोनों साइड के प्लग है ये निकल जाएंगे, आपको आगे जो भी स्विच है ये आप निकाल लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, स्किप करने से आपको पता नहीं चल पाएगा कि कोई पॉइंट ऐसा छूट जाता है और या कुछ ऐसा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने में ही आप समझ पाएंगे। और इसमें होगा क्या कि आप अपना, यदि आपके घर में मारुति जिप्सी है या आप छोटा मोटा कोई काम करते हैं मैकेनिक का, तो आप इजीली उस काम को भी कर पाएंगे। अब अपने ये पाइपें वगैरह जो इनलेट पाइप है और ये उस पाइप है जो MPFI से आ रहा है, हम उसको भी हटा लेते हैं। टैपर कवर अब हमारा बिल्कुल हो चुका है, अब हम इसको खोल लेते हैं। अब हमने चलिए इसको हटा लिया है, ये आपका पोजीशन है अंदर का, रॉकर का पोजीशन है टाइमिंग का। तो आप इसमें जो एक नंबर जो फैन सेट से जो होगा वो आपका एक नंबर पिस्टन यहाँ से स्टार्ट होता है रेडिएटर साइड से, और फ्लाईव्हील साइड में आपका 4 नंबर होगा। ये जो पहले के दो पिस्टन रोकर आप दिख रहे हैं आपको, ये एक नंबर के हैं, ये दोनों फ्री होने चाहिए, इनलेट भी दोनों होने चाहिए फ्री, एग्जॉस्ट भी आपके दोनों फ्री होने चाहिए, और साथ के साथ लास्ट वाले जो आपके हैं वो आपके हल्के से टाइट होने चाहिए। अब हमने इनको देख लिया है, इस मुताबिक टाइमिंग सेट कर लेंगे। और इसको जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि टाइमिंग जब हमने करना है इसको, तब इसको हमने 5 डिग्री पे लाना है, 5 डिग्री पे लाना है, एक निशान जो है 2 डिग्री का होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप जब आपने टैपेट करना होगा तब इसको 0 डिग्री पे लाके टैपेट करना पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अभी हमने इसको कर दिया है, अब मेरे ख्याल से ये ठीक है, और जो भी इसका टैपेट का हम थोड़ा बहुत टाइमिंग सेट कर देंगे। और यदि हम टैपेट कर, दोस्तों हमने सारा कुछ फिट कर दिया है, अब इसका हम ट्रायल लेंगे और ट्रायल लेने के बाद देखते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपका अपना अनुभव, आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि इसमें कुछ पॉइंट आपको दे सकते हो तो पॉइंट देना, यदि कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।